हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक न्यूज़ आ रही है कि खदानों में तरल प्राकृतिक गैस से चलेगी भारी मशीनें। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता से जुड़े उपायों पर विचार दिया जा रहा है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है, ये जो न्यूज़ है, वो मैंने 3 दिन पहले ही बना दिया था और आज के डेट में यानी 3 जुलाई 2021 को ये प्रभात खबर में प्रकाशित किया गया है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंटल न्यूज़ जो है वो पहले ही आउट हो जाता है, बाद में अखबारों में काफ़ी बार ऐसा अखबार में न्यूज़ छपता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसा कोई अपडेट आता है तो मैं उससे आपको इंस्टेंट अपडेट कर सकूं। तो चलिए मैं एक बार आपको न्यूज़ पूरा बता देता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड में जितने भी माइंस चल रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग से चल रहे हैं या कोल इंडिया लिमिटेड का खुद का है, तो सभी खदानों में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। उसमें जितने भी HEMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज चलते हैं, जैसे कि डंपर की बात करें, सोवेल ऑपरेटर की बात करें या फिर पेलोडर है, ये जितने भी मशीनें चलती है HEMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी मशीनें, उनमें या तो डीजल से उनको चलाया जाता है या तो उनको इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है तो उसके लिए 3.3 kV का या 6.6 kV का अलग अलग डायमेंशन का होता है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, अलग अलग स्टोरेज पॉइंट बनाया जाता है, सब स्टेशन बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, देन उसको फिर कनेक्ट करके चलाया जाता है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिसिटी के जगह पे कोल इंडिया लिमिटेड ऐसा प्लान कर रहा है, ऐसा पंचवर्षीय योजना बनाई है, उसको लागू करने वाली भी है, इस साल के अंत तक शुरुआत हो जाएगी इसकी, कि उसके जगह पे LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ही यूज़ करेंगे। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होता है? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसा ही एक गैस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बस यही है कि लिक्विफाइड में क्या होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है, वहीं CNG में कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में किया जाता है। CNG जो है वो थोड़ा सा कम कॉस्टली आता है, LNG जो है वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आता है। CNG का पावर थोड़ा कम होता है, LNG का पावर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वही LNG को प्रयोग किया जाने का ऐसा प्लानिंग है माइंस में। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारा चीज़ होगा। सबसे पहला, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होता है, इसी तरह से इससे भी पॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला में कई बार बहुत बड़ा बड़ा दुर्घटना हो जाता है, उसको बहुत सेफ्टी के साथ ऑपरेट करना पड़ता है। LNG में ऐसा चीज़ें दिक्कत नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा, डेंजर का खतरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ज़्यादातर BCCL के लिए और जितने भी माइंस होती हैं जो थोड़े रूरल एरियाज़ में होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, ज़्यादातर माइंस तो ऐसे ही होते हैं, उस माइंस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है डीजल चोरी। तो ये इस डीजल चोरी को रोकने के लिए ही कहिए कि LNG का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसा प्लानिंग किया गया है, क्योंकि अगर LNG प्रयोग में आ जाता है तो LNG को सिर्फ आप HEMM में ही यूज़ कर सकते हैं और दूसरे जगह पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर डीजल का जो चोरी अभी हो रहा है वो एक तरह से पूरी तरह से रुक जाएगा, उसमें नामोनिशान उसका ख़त्म हो जाएगा डीजल चोरी का। इसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, पूरा इन्वायरमेंट को क्लियर रखेगा और कार्बन उत्सर्जन इसके लिए सबसे बड़ा मैटर है। कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा बहुत हद तक। टारगेट यह है कि अभी 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 5 साल का योजना बनाया गया है, यानी 5 साल में 2.5 लाख टन कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करना है। और उसके लिए एक साल में, मतलब इस साल का जो टारगेट है वो है 60,000 टन में कमी लाना है। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर LNG लगाया जाता है तो जो इन्वायरमेंट में बहुत सारा गैसेज निकलता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ऐसा बहुत सारे गर्म गैस वगैरह जितना भी गैस है बहुत सारा गैस निकलता है उसके एग्जॉस्ट से, डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से, जिससे वातावरण दूषित होता है। तो उसके लिए भी उपयोग करना है। बहुत बार HEMM जो मशीनरीज है उसके साथ साथ ही अंडरग्राउंड माइंस में कुछ मशीनरी है उसके लिए भी प्रयोग किया जाएगा। तो अंडरग्राउंड में जो वेंटिलेशन सिस्टम है इसको बेहतर करने में मदद मिलेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है, अगला 5 सालों में 1500 ई वाहन चलाने का तैयारी किया जा रहा है और इस साल के अंत तक 200 ई वाहन का परिचालन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ई वाहन एक तरह से आप कह सकते हैं क्रांति है कोल सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में। तो इस ई वाहन को चलाने से और एक जो HEMM के लिए LNG का प्रयोग करने से, ये दोनों अगर यूटिलाइज कर दिया जाता है तो कंपनी का जो खर्च है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, उसमें बहुत सारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कटअप हो जाएगा, जिसके कारण कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट होगा।
और आने वाले टाइम में कोल इंडिया लिमिटेड और भी बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि मशीनरी पे अगर वो खर्च करती है तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, जैसा कि टारगेट रखा गया है आने वाले टाइम को लेके। तो देखते हैं ये सब चीज़ें कितने दिनों में फॉलो हो पाती है, इससे रिलेटेड जब भी कोई अपडेट आएगा उसे मैं आपको अपडेट रखूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।